हेलो वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ट्रेट इज दिस। देखिए कभी भी पेडिग्री एनालिसिस में आपको पेडिग्री में कहीं पे भी ऐसा कपल दिखाई दे हस्बैंड वाइफ जिनमें डिजीज ना हो लेकिन नीचे डिजीज हो तो वो रिसेसिव का केस होता है। एक सेकंड में आप समझ गए रिसेसिव का भी एक्सलिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो आपको जेनेटिक मेकअप इनको ये डिनोट करने पड़ेंगे तभी नीचे यहाँ पर डिजीज आई है। लेकिन देखिए अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो भैया मेल में ही 100% मेल में डिजीज आई है, फीमेल्स बच गई हैं, और उसके बाद फिर से मेल में डिजीज आई है, फीमेल बच गई है, तो ये ऐसा कोइंसिडेंस होने के चांस बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। और यहाँ पे डिजीज़ है लेकिन नीचे डिजीज़ नहीं है, यहाँ पर डिजीज़ नहीं है लेकिन नीचे डिजीज़ है, ये कैसा केस है? ये आपका एक्सलिंक्ड रिसेसिव का केस है। आप इनको ये दे दीजिए जेनेटिक मेकअप मदर को, इस पर सिंगल डिफेक्टिव एलील आया, डिजीज शो हो गई, सिंगल डिफेक्टिव एलील आया, डिजीज शो हो गई, ये कैरियर बन के रह गई और इसका जैसे ही डिफेक्टिव एक्स यहाँ पे आया यहाँ डिजीज शो हो गई। इस वाले सन में चांस की बात है कि मदर से नॉर्मल एक्स आया है तो यहाँ पर डिजीज शो नहीं हुई है।